सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू व्लॉग। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, किस लिए इतनी धुंध पड़ रही है तेरी। ये ऑटो वाले बिना लाइट के चलाते हैं ना, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मुझे तो वाइजर ऊपर करके चलाने पड़ा भाई। अपना ये नया पेट्रोल पंप भी खुल गया यहाँ पे, पेट्रोल डलवाते फिर निकलते हैं यहाँ से। कल मैंने जाना है पापा को लेके, पापा की अपॉइंटमेंट है सीजर चेस्ट में, कल चलानी नहीं है बाइक तो, एंड छुट्टी भी है कल। अरे यार फिर गड्ढा, ऑफ रोडिंग। ये ले लद्दाख, तेरा भाई ले लद्दाख जाएगा ये। अरे भाई सस्पेंशन की ऐसी तैसी हो जाएगी, आराम से चला। तो 7:30 बजे का सेशन था, फ़ोन कर रहा था उनको तो वो कैंसिल हो गया। अब है 8 बजे का सेशन। एक तो भाई ये बीच सड़क में जाना फंदेगा बनते हैं ना अपना, आपको बड़ी फंदा खाती है। तो तुम्हारे भाई ने मैगी खा ली सुबह, अरे नहीं खाई, सेवियाँ जो होती है वो खाई है। तो वाइफ ने वो बनाई थी सुबह सेवियाँ, तो वो खा ली। अभी पेट भरा हुआ है, जाके देखते हैं। पेट तो भरा हुआ है, पेट खाली नहीं हुआ, बस ये दिक्कत है। पेट भी खाली होता ना मजा आ रहा था, जैसे कल हुआ था वैसे हो जाता ना मजा आ रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, ट्रैफिक बहुत मिलेगा आगे जाकर, मैं वो दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। देखते हैं दूसरी तरफ से क्या सीन होता है। लेट्स गो बॉय, कभी कहते इसको इतना मजा आता ना चलाने में। अरे हल्का फुल्का ट्रैफिक होना मजा आ रहा था चलाने में। डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, ओहो, बल्ले बल्ले तो गए। आज मुझे लग रहा मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ थोड़ा सा लेट निकला हूँ मैं, वैसे नॉर्मल 6:45 पे निकल गया था कल, तो 15 मिनट मेरे को निकलने में ही लग जाते हैं यहाँ से, और कल तो 20 मिनट लग जाते हैं। और मैं ट्राई करता हूँ कि ब्लॉग जो हमें हैं आपको कंटिन्यूसली देता रहूँ। अरे दीदी क्या कर रहे हो, ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। बाहर में प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रखी है। सबको प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा थोड़ी सी बोलता हूँ लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत। अरे भैया कहाँ से आ गए तुम, क्या हमें सीधा जाना चाहिए, क्या कहते हो गाइस, सीधा जाना चाहिए? अगर मैं सीधा गया तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वहीं से हम निकल भी सकते हैं, आधे घंटे में पहुँच भी सकते हैं। 15 मिनट यहाँ से लगेंगे, आधे घंटे में हम सीधा पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है और आधे घंटे में तुम्हारा भाई पहुँच जाता है। एग्जैक्ट करता हुआ ज़्यादा तेज मैं चलाता नहीं, रोड बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो दोबारा सा आ गया ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम मेरे को ही है थोड़ा सा है। यहाँ पे पानी है, यस पानी है, बिल्कुल है। ओए पानी नहीं आज भी, मिरेकल, कल पानी था भाई, इसी रोड में पानी था भाई। आज चलाने में मजा आ रहा है, कभी कभी ना सिटिंग पोस्चर कभी बहुत अच्छा बैठ जाता है इसके ऊपर तो मज़ा आता है इसको चलाने में। कभी बार ऐसा होता है कि बैंड बज गया अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पे बंद कर लेना चाहिए अपने इंडिकेटर्स, जरूरत पड़ने वाली है। देख लो आगे ये रिश्के वाले कह रहा हूँ, रश के कमर वाले ऑटो रोक लेते हैं। अरे भाई साहब पेल दिया सुबह भाई, लड़ाई हो गई, खोपड़ी तोड़ साले का। आज कुछ ब्लॉग का मज़ा सा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। आज का नमूने मिले नहीं मेरे को ना, कि रोज़ नमूने मिलते हैं तो आज कोई नमूना मिला नहीं। क्या हुआ? Just check. मेरा ब्लॉग वही बना देते हैं भाई, नमूनों की कमी थोड़ी ना। देखा हमने बोला था ना ट्रैफिक मिलेगा आगे, और चल मेरे घोड़े भाई। यहाँ पे पता है क्या दिक्कत है, ये है ऑटो वाले, ठीक है, इन्हें चाहिए होती सवारी, और ये सवारी के चक्कर में यहाँ ऑलरेडी ब्लॉक हो रखा है, ऊपर से और ब्लॉक कर देते हैं ये साला, कोई बंदा ही नहीं निकल पाता यहाँ पे, और ऊपर से पानी कत्ती नाइंसाफी है ब्रो। अरे कोई ना कोई सीटें मारेगा भाई। अरे भाई 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 अरे भाई 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 निकल गया, यस लद्दाख की मैंने वो क्या बोलते हैं उसको ट्रेल कंप्लीट कर दी तेरे मारे भाई ने, जो कल आप लोगों ने मेरे को भाई सब्सक्राइबर बढ़ा दिया ना भाई, उसको दोबारा से ये चीज़ कर दो। तुम्हारा भाई टॉप के लेवल पे होना चाहिए, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे लेके आ गए हैं, तो तुम्हारा भाई टॉप के लेवल का काम करेगा। और ले लो कहाँ से जाए कहाँ से नहीं, किसी ने रोकी ना भाई, पिछवाड़े में आग लग गई। हाँ ये जगह मिली अंकल ने बीच में,
यार क्या ही बाइक साफ करेगा यार, पैसा बर्बाद। अरे ले लो भाई, तो बाकी अब दोबारा से लेह लद्दाख की ट्रेल आ गई है भाई, दोबारा से हम पार करेंगे। और ये छप्पा, अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई, जाने की जरूरत ही नहीं लद्दाख, नहीं मिल जाएगा तुम्हें। हाँ ऊपर से ले जा मेरे, हाँ ले जा ऊपर से ही ले जा मेरे, आ जा वहाँ के छाती से निकाल के ले जा मेरे। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे सुधर के जा, जा चली जा। शरम नहीं आए है, शरम नहीं आए तुझे? लो भैया चलो चलो, काहे लेटी कर रहे हो तुम, आ जाओ अंकल आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ मेरे। फालतू का ट्रैफिक लगता, फालतू का कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, ऊपर से पता नहीं क्या ले लेते हैं। आ रहा हूँ अंकल, लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ, हाँ लेफ्ट में आ जाओ। सावर सावर अंकल, बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ऐसे ही ले जाओ, ले जाओ, लेते चले जाओ, रोकना मत। अरे ससुर के नाती लेफ्ट से निकालो, देखो ये हाल है, क्यों है वो बसेस निकलनी है, उसकी वजह से दिक्कत है। चलो भैया हम तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, प्रोटेस्ट चल रहा है भाई, अरे भगाता हुआ लाल है लेफ्ट से। ये देखिए मेरा ससुर का नाती साठ, लेट्स गो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई दिल्ली की तरफ दो रोड जाते हैं, तो भाई दोनों रोडों पे इन्होंने बैरिकेडिंग करी हुई है ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ से निकलेंगे वो तो फिर यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन भाई आराम से निपट जाए सब कुछ मामला, तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसे लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ना उनको दिक्कत होगी, ना हमें दिक्कत होगी, लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सब रो, कुछ कहना नहीं चाहेंगे हम इसमें। देख 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 भाई, ये रोकते ही नहीं है भाई, ये DTC वाले इसकी मुंह पर ला के रोकेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक तुम्हारे फटे ना, फटेगी ना तुम्हारी। तो कल मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी व्लॉग जब मैं एडिट कर रहा था, कि इसमें ना छन छन की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है। तो वो तो मेरे को पता चल गया वो कौन सी चीज़ हो रही है, एक्चुअली क्या है, इसमें लगी है रेडिएटर ग्रिल, ठीक है। एक तो उसकी आवाज़ आ रही है, और जब मैं सर्विस के लिए गया था, जब मेरी सेकेंड सर्विस थी इसकी, तो KTM सर्विस वालों ने इसका नट यहाँ से तोड़ दिया, मतलब लगाते लगाते तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं अरे ये नट टूटा होगा। अब मैं बोलूँ क्या ही बोलूँ, मेरे सामने टूटा हुआ थे, फिक्स तो कर रहे थे वो, लेकिन फिक्स हुआ नहीं, तो इसलिए तो इंजन की आवाज़ आती है। बाकी तो मैंने देख लिया क्या करना है, इसका कैसे सेटअप करना है, सेट दोनों सेट हो जाएंगे। जुगाड़ मैंने ढूंढ लिया है, जो जुगाड़ है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, अगर कभी ऐसी बाई चांस आवाज़ आती है तो वो आप कर सकते हो। पता नहीं कामयाब रहेगा कि नहीं, या तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। पहले तो भाई इसकी सर्विस करानी है, मेरे को डर लगता है भाई, जब भी मैं जाता हूँ बहुत ज़्यादा लगता है भाई मेरे को, मतलब इतना डर लगता है कि भाई बाइक बंद होगी ना कौन आएगा, दोस्त यार सारे ऑफिस वाले हैं, कौन बेला बैठा, कोई नहीं बेला कोई बेला नहीं है भाई। चलाते भाई फटाफट, आसमान गाने भी नहीं लगाए भाई अपने हेलमेट में, नो म्यूजिक टुडे, ओनली बातें बातें जमाने साथ। चलते भाई निकलते वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे आगे जाकर। हाँ तो फाइनली पहुंच गए भाई हम अपने पंजाबी बाग, तो पंजाबी बाग में हमेशा ही भीड़ लगी रहेगी, जब तक ये तैयार नहीं होता तब तक भाई भीड़ तो लगी रहेगी। छोटी सी गली सी बना दी है निकलने के लिए, और मुझे लग रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड जो फुटपाथ बना हुआ ये भी तोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो पेड़ों की दिक्कत तो है वो मैं समझ सकता हूँ, बट अगर आपको जगह चाहिए तो उस हिसाब से जगह बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड की जगह तोड़ देंगे तो ये पूरी रोड खुली हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगा भाई। एक घंटे का सफ़र 15 मिनट में हो जाएगा। तुम्हारे भाई ने वैसे 15 मिनट कंप्लीट करा हो ये रास्ता, लेकिन उसके लिए स्पीड चाहिए थी कम से कम 100 की। और ये पीछे नमूना कोई आ रहा है ऑल्टो लेके, रेखांति की इसको लालच लगी हुई है। निकाल ले राइट, नहीं निकाल ले ना, क्या हो गया, राइट से चल ले आजा। कोई दिन ऐसा जा ही नहीं सकता जहाँ नमूने ना मिले, मैं बता रहा हूँ ना भाई, ना मिले। सीधी सीधी रोड है भाई, तो उसमें चलाता रहे, सीधा सीधा चलते रहोगे तो आराम से निकल जाओगे। वहाँ से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यहाँ से हो जाती है नारायणा के पुल के पास भीड़ शुरू, और मुझे रखना पड़ता अपना कैमरा ऑन, क्योंकि तो भाई यहाँ पे होते बहुत से लफड़े, क्योंकि तो सुबह सुबह सबने ऑफिस जाना है, ऑफिस के चक्कर में भाई सब तेज़ भगाते, सब के सब तेज़, इवन मैं भी भगाता हूँ भाई, लेकिन ऐसा नहीं भगाता कि जिससे दिक्कत हो, मुझे स्पेस दिखेगी तो मैं निकालूंगा वरना नहीं निकालूंगा, लेकिन यहाँ स्पेस ना होने के बावजूद लोग निकालते हैं। अरे भाई तू काहे को रोक रहा है, ये बस वाले भाई साहब, भाई ब्रेक लाइट ही नहीं है पीछे, ले लो वो पीछे जो गई है अभी, उसमें है ही नहीं भाई बैक लाइट, ब्रेक मारिए वो भी पता नहीं चल रहा सही मेरे को, देखा अभी, इसलिए भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल आराम से चलाता है, पता है नमूने नहीं, कमी नहीं है भाई नमूनों की यहाँ पे,
तुम्हारा भाई बिल्कुल आराम से चलाता है। जब भगानी होती है उसके लिए संडे है भाई अपना, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह निकलो खाली रोड, कोई नहीं मिलेगा आपको। मुझे तो खैर, मैं तो सुबह सुबह ही निकलता हूँ। अभी आजकल सर्दी हो गई है तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा लेट निकलना पड़ता है भाई। तुम्हारा भाई वरना 6 बजे निकल जाता है, 6:30 बजे पहुँच जाता है। ये पूरा सिनेरियो बना रहता है मेरा गर्मियों में भाई। गर्मियों में क्योंकि दिन भी थोड़ा वैसा रहता है, जल्दी हो जाता है तो इसलिए नींद भी जल्दी खुल जाती है, रात को जल्दी सो जाते हैं। ये रोड है, यहाँ से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है भाई, कैमरा ऑन करके। भाई मेरे को रास्ता मिलेगा भगाने के लिए, मैं वहाँ भगाऊंगा, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है भगाने की। और हमें दिखती हुई बैरिकेडिंग यहाँ पे भी, मुझे लग रहा है मैं जल्दी आ जाऊँगा घर दोबारा से आज। फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आना पड़ेगा भाई। ये तो पूरा तामझाम लेके खड़े है भाई। कम ऑन, चलो बैक टाइट एकदम, हिप मत उठाना। हाँ गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। हिप हिप पहले नहीं, गुड। या तो ब्लैक कॉफी ये रही। अब 10 बजे मैंने जाना है सेशन के लिए, तो अभी वाइट ब्रेड है, पीनट बटर, पॉकेट पीनट बटर, ठीक है, ले लिया था। मीठा होता है बट वर्कआउट ऐसा करना है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉफ़ी में ले आया था कॉफ़ी ये दी, और चाय पत्ती घर के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम सीधा वर्कआउट के लिए वसंत विहार वाले जिम में, तो आपको मिलते हैं वहीं पे सीधा। भाई अपना वर्कआउट तो ख़त्म हो गया, अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। ये अपना जिम है, अपना तो नहीं है, खैर फीस दे रखी है। आज है 14 फरवरी, तो आप सोच रहे होंगे मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ। तो भाई बात ऐसी है, मैं तो बनाता नहीं ना, मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ और है, आज के दिन हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे पुलवामा में, उसके लिए थोड़ी शांति 20 सेकेंड के लिए रखें तो अच्छा रहेगा, उनको याद करें बजाय ये फालतू की वैलेंटाइन डे। जिन्होंने बनाना है वो बनाए, अच्छी बात है। चलते हैं, उनको याद करते करते निकलते भाई। अब एक तो स्ट्रगल रहता है भाई ट्रैफिक से, कब पहुंचेंगे कब नहीं, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा अभी। एक तो मेरा ये पता नहीं टेस्ट नहीं चलता नहीं है यार, अभी ट्रैफिक तो मिलेगा मिलेगा आज तो। आज पता नहीं, लास्ट टाइम तो नहीं मिला था, मतलब कल तो मिला नहीं था, आज का पता नहीं आज मिलेगा कि नहीं। टाइमिंग वैसे गलत है जिस टाइम पर मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मैं निकला था अराउंड अराउंड 10:30 बजे करीब, तो आराम से मैं 11 बजे तक पहुंच गया था। लेकिन आज आज तुम्हारा भाई जा रहा है 1 बजे। अरे भाई क्या हो गया, अभी सीन हो जाता भाई, कुछ ना कुछ गिर जाता बैग में से, बंद नहीं करी जिप इसकी, बहुत बारी हो गया मेरे साथ, जित रह ही जाती है। हम दोनों का साथ कभी छूट नहीं सकता, ये ट्रैफिक और मैं, हम दोनों साथ कभी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते भाई, मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। जो मर्जी हो जाए, कोई भी छुड़वा दे भाई, मान जाऊं मैं, छुड़वा के दिखा दो। पसंद नहीं आया, इतना मस्त हलवा बना है पीला, वसंत पंचमी के मौके पे आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पीला पीला हलवा खाइए वसंत पंचमी पे, आहा मजा आ रहा है। और हमारे घर में लाइट नहीं है, हैं पीले पीले कपड़े पहनी है, काले काले लोग दिख रहे हैं, वो एक्चुअली लाइट नहीं है तो उसकी वजह से हो रखा है। और हम काले काले अंगूर भी खाओ, काले काले लोग भी दिखो। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले ही आ गया था, मतलब जा नहीं, 10-15 मिनट हुए थे और लाइट नहीं है, बाहर लाइट ठीक कर देते तो पता चल गया था मेरे को। तो अभी खाते भाई और व्लॉग पे व्लॉग आएंगे भाई, कोशिश करूंगा आपको मैं 7 दिन व्लॉग दूँ, ट्राई करूंगा अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपनी, और मजे करेंगे फिर हम, ठीक है। तो वसंत पंचमी के जतौर में हार्दिक को शुभकामनाएं आप सभी को, मुंह मीठा करो। आहा मजा आ गया भाई, वर्कआउट क्या जबरदस्त वर्कआउट हुआ,
और अब मीठा खाओ आके। वाह डाइट हो रही है ये डाइट करवा रहे मेरी दोनों। कुछ ना हो रहा मेरी डाइट का, ऐसी चलेगी डाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। और शिवरात्रि की बसंत पंचमी की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं।